जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, पीड़ित को नहीं मिल पाया न्याय। मध्यरात्रि में दबंगों का आतंक जारी है। दबंगों ने घर जा रहे युवक पर हमला कर दिया। लुहलुहान युवक दबंगों के चुंगल से किसी तरह जान बचाकर पहुंचा थाने, तो वहां भी उसे दिया गया सिर्फ आश्वासन। लेकिन घटना घटित होने के 3 दिन बाद भी पुलिस अपराधियों की तलाश पर नहीं कर पाई कार्यवाही। पीड़ित के मुताबिक आरोपी शेरा फरीद, राजा बाबू, सनी जोगी और अज्ञात लोगों ने हमला किया। घटना की तहरीर देने के बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। ऐसी घटनाओं से यही प्रतीत होता है कि प्रदेश में अपराधियों के अंदर पुलिस के प्रति भय खत्म हो चुका है। अब ऐसे ही कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ पाती है, आखिर और कितने दिन पीड़ित को न्याय के लिए यूं ही भटकना पड़ेगा। जनपद कानपुर से संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है मोहम्मद साकी। क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? रात में हम जो है यहाँ से जो है घर जा रहे थे, अपने वली उम्मत के बगल में कलूटा चाय वाला है, उसके वहाँ जो है शेरा, राजा बाबू, फरीद और सनी जोगी, ये चारों लोग वहाँ पे खड़े थे। हम चुपचाप वहाँ से जा रहे थे, हमको पकड़ के मारने लगे और कट्टे की बेट हमारे मार दी। मेरे 4 टाके लगे हैं सर में और पूरा खून से लथपथ थे हम रात में। हम थाने भी गए, थाने में भी एप्लीकेशन दे दिया रात में, और सवेरे भी हमने जो है थाने गए हम, और जो है वहाँ थाने में कहा है कि जो है शाम को 5-4-5 बजे तक के आगे देख लेना, लॉकअप के अंदर होंगे वो लोग। लेकिन 5 बज गया, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। क्यों मारा है आपको? अरे हमको वो मेरा दोस्त था जिसको इससे पहले इन लोगों ने मारा था, तो जो है वो मेरा दोस्त था, उसकी जो है एक वही थाने चले गए थे रिपोर्ट लिखवाने, तो उसी के चक्कर में इन लोगों ने हमको मारा कि तुम बहुत आगे जा रहे थे थाने में, तो तुम ही दिख रहे थे, हमको सब पता चल रहा था, तुम क्या समझते हो, मेरे वहाँ बहुत पहचान वाले हैं, सब पुलिस वाले मेरे जानने वाले हैं, तो तुम लोगों ने जब हमको मार रहे थे तो ये भी कह रहे थे। ये बताओ क्या हुआ? थाने में रिपोर्ट करी? कुछ करा पुलिस वालों ने? वो पुलिस वाले सब हमारे हैं, हम सबको देते हैं। कब का मामला है ये? कल रात का मामला है, 12:30 बजे रात का। इससे पहले जो घटना हुई थी तो उसमें भी यही हुआ था सब कुछ? हाँ, उसमें भी यही सब कुछ हुआ था। और ये लोग जो है बहुत बड़े अपराधी हैं, इन लोग जो है कई कत्ल करे हुए हैं, 2 कत्ल में अभी तक पकड़े गए हैं जिसमें जेल गए हैं ये, और जो है जाजमऊ का भी एक कत्ल है इनके ऊपर, और गैंगस्टर जाजमऊ के चकेरी थाने से वांटेड हैं ये लोग, वहां से गैंगस्टर में जिसमें से राजा बाबू और शेरा और फरान और 8 लोग हैं, और जिनको नहीं जानते हम, वो सब इन्हीं लोगों के साथी हैं। थाने गए थे हम। क्या हुआ थाने में? थाने में ये कहा गया, रात में गए वहां जो है हमारी जो है पूछताछ करी, पूछताछ करने के बाद फिर जो है हमको लेके गए वहां उर्सिला अस्पताल में जो है डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने जो है अपना मेडिकल बनाया, और जो है फिर हमारे टाके आके भी लगाए। मुकदमा हो गया उन पे? हाँ, पुलिस तो कह रही है मुकदमा तो कर दिया हमने, अब आगे देखिए आप ही लोग देखिए। पुलिस ने कोई जांच करी है अभी तक? पुलिस ने अभी तक के तो नहीं, रात में हमारे आज जो है करेंगी कार्रवाई, कहा है पुलिस ने हमसे कि आज कार्रवाई चालू होगी, क्योंकि रात में जो थे उनको तुम दे के चले गए थे, हमने सवेरे कागज देखा है, अब हम दौड़ भाग करेंगे उनको पकड़ेंगे।